शेर को शेर ना देगा टक्कर। राम का टिकट मिला है, हनुमान सब काम कर रहा है। मोकामा में जो लूट खसोट मचाए हुए हैं उसी का नाम से, अरे बाप रे बाप, मोकामा का विधायक आनंद सिंह है। जब चुनाव का समय आता है तो चापा कल बांटता है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक आदमी और एक खानदान। सरकार माननीय न्यायालय के द्वारा साबित हो करके जगह पर पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए अभी हम मौजूद हैं मोकामा में, हमारे साथ ललन सिंह हैं। सबसे पहला सवाल कि नॉमिनेशन हो चुका है, अब गति कितना रहेगा आपका कि आम जनता जो है मोकामा का वो आपके प्रति आए? हम तो बार बार ये बात बोल रहे हैं, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमको टिकट मिलवे नहीं किया है। मोकामा क्षेत्र की जनता को मिला है, मोकामा क्षेत्र की जनता जो है टिकट मिलवे नहीं किया, हमको नहीं मिला है। मोकामा क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता को मिला है और क्षेत्र की जनता को मिला है। सोनम देवी जी मात्र एक प्रतीक हैं, प्रतीक हैं, और क्षेत्र की जनता और राम का टिकट मिला है, हनुमान सब काम कर रहा है। राम का टिकट मिला, हनुमान सब काम, हनुमान सब काम। और आप पानी नहीं पिलाते हैं क्या? है? क्या पूछ रहा हूँ, समझ ही गए। जो बताता है कि हम पानी नहीं पिला, मोकामा के आदमी को 32 वर्ष तो पानी पिलाए हुए हैं। हम तो सेवा भाव में। आप पूछते हैं कि नहीं, जो लोग आते हैं आपके यहाँ कहते रहे पानी पिलाए हुए, तो वो है मोकामा को कैसे तो पानी पिलाए हुए। नहीं तो आप क्षेत्र में जाके देखिए कहाँ क्या है। आगे का रोड बहुत खराब है, जहाँ आप हैं यहाँ आगे बढ़िएगा तो रोड बहुत खराब है। कौन क्षेत्र में जाइएगा कहाँ आपको बढ़िया मिला, सुखा को बढ़िया जगह का नाम बताइए मोकामा में, जिसमें हम लोग मोकामा वासी गर्व से कह सकें कि जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आनंद सिंह ने या उसके खानदान ने कोई बढ़िया काम किया है। बाहर से कोई आता है मोकामा से, मान लीजिए बाहर से कोई आता है तो इतना डरता कहाँ है आने में मोकामा, ये जानना चाहते हैं। आनंद सिंह का लेवल मोकामा के लोग जो ओढ़े हुए हैं इतना दिन से, 32 वर्षों से मोकामा में जो लूट खसोट मचाए हुए हैं उसी का नाम से, अरे बाप रे बाप, मोकामा का विधायक आनंद सिंह है। आनंद सिंह तो और क्या, आप आएंगे तो नहीं होगा। हम आएंगे, हम तो मोकामा में जन्म भी किया, मोकामा मेरा नस नस में है, मोकामा पले हैं बढ़े हैं, मोकामा रग रग से। आपसे भी बहुत लोग डरते होंगे, आपसे भी बहुत लोग डरते होंगे। काहे के लिए हमसे डरेगा? नहीं, हमसे डरने का कौन जरूरत है। कि दोनों शेर खड़ा हुआ है, ई क्या है बोलते हैं, ई क्या है बोलते कि दो शेर खड़ा हुआ है तो शेर को शेर ना देगा टक्कर। हाँ, तो शेर के देने के लिए तैयार हैं टक्कर। टक्कर हम क्या कहते रहे हैं कि राम का टिकट मिला है, हनुमान तैयार है, हम काहे के लिए टक्कर देंगे, हनुमान जी टक्कर दे रहे हैं। जनता लोग तो साफ कहता है कि अब बदलाव चाहिए, विकास चाहिए, आप ला पाएंगे विकास और बदलाव? तो और क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मोकामा पर। आज हमारे देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते, जहाँ भी विश्व में हम किसी बड़े बड़े मीटिंग में जब देखते हैं एक शेर की तरह हुए जब दहाड़ते हैं और शेर की तरह जब खड़ा रहते हैं तो लगता है कि हाँ ये भारत का प्रधानमंत्री है, कोई शेर खड़ा है। बाटा बंद ही हो गया, मैकडोवेल बंद ही हो गया, जो पूरे बिहार में सबसे फेमस अस्पताल था, मालूम ही होगा कौन अस्पताल, लोग आते थे। ये सब आनंद सिंह के खानदान से जाकर पूछिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं। ये सब बंद जब चालू था तब आप होंगे मोकामा में जी, जब हम पैदा तब तब का जीवन क्या था लोगों का, अब का जीवन क्या हो गया? तो वही तो कह रहे हैं, तब मोकामा विकसित जगह था, पूरे बिहार में एक नाम था, हैसियत रखता था मोकामा। इस 32 वर्षों में सब लूट पूट करके चट्टी बन के रह गया, और वो अपना कितना विकास किया पटना में जाके देख लीजिए। सबसे बड़ा बदलाव क्या लाना चाहते हैं आप? बदलाव अभी हम तत्काल लंबा लंबा फेंक दें, नहीं फेंक दें लंबा लंबा फेंक दें, बोलता है ना कि करेंगे वो करेंगे। अरे हमको मौका मिलेगा तो पहले तो मोकामा क्षेत्र की जनता सब जगह पानी से त्रस्त है, आज कह रहा है ना नल जल चल रहा है, नल जल। आज हम एक जगह गए थे वहाँ पे पानी लगा हुआ था और नल नहीं था, चापाकल था, कह रहा था कि चापाकल से काम चलाना पड़ता है। यहाँ का जो नल जल का योजना था विधायक के द्वारा पूरा क्षेत्र में लूट लिया गया, उनका और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लूट लिया गया, और उसी पैसा से अभी चुनाव आया है ना, अब जाइएगा बहुत जगह उसका मिल जाएगा चापाकल। जब चुनाव का समय आता है तो चापाकल बांटता है, चापाकल दे करके मैंने वोट को खरीदता है, और 5 साल लोग पानी के लिए त्रस्त रहते हैं। चलिए, आम आदमी अगर आप भी होते तो आप भी नाराज रहते इस विधायक से? नाराज हैं तब तो हम मान लीजिए कहते रहे, लोग हमको माने कह रहे हैं इतना दल बदला। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक आदमी और एक खानदान है, दल कोई टारगेट नहीं है कि हमको टारगेट वो खानदान है। गुस्सा इतना टारगेट हमारे मोकामा को बर्बाद कर दिया, इसलिए उस पर टारगेट है।
उसको उसने हमारे मोकामा को बर्बाद कर दिया, इसीलिए उसको टारगेट किए हुए हैं। उसको उसके विपरीत लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत खड़े होते हैं, अब खड़े नहीं होने देंगे। क्या खड़ा नहीं होने देगा? बहुत लोग जनता वही कहे, जनता ने आज तक उसको बैठाए हुए था सर पर, अब जनता को एहसास हो रहा होगा ना, एहसास हो रहा है। वो जो आज तक जीता था नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद उसको रहता था, गठबंधन का उसको आशीर्वाद मिलते रहता था। रात में लोग निकल पाते हैं कि नहीं मुकामा में अभी, या वही 10 साल पहले वाला हाल है? नहीं, अभी वैसा कोई माहौल नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं। लोग एकदम जहाँ भी जाइए 10 बजे रात 11 बजे रात तक नॉमिनेशन में एक से एक लोग पहुंचे थे आपके नॉमिनेशन में। मुकामा का जो जो मैंने बदलाव चाह रहे हैं, मुकामा को बिहार का भविष्य जो देखना चाह रहे हैं कि मुकामा एक चुनाव नहीं हो रहा है, ये पूरे बिहार और भारत को संदेश जाएगा। और वो संदेश देने के लिए जितने भी बड़े शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं, आगे भी हो सकता है आएंगे। और पानी वाला बात पे इतना आप गर्मा क्यों हैं? तो वो तो कह रहे हैं, कहता है कि लालन वहाँ पानी नहीं पिलाता है। पानी नहीं, अरे पानी तो तुम पिलाए हुए मुकामा के आदमी को, पानी तो तुम पिलाए हुए। गरीब आदमी आता है आपके यहाँ तो पानी देते हैं ना, कि साथ में मिठाई भी देते हैं? अब वो तो गरीब आदमी से पूछिए, गरीब आदमी से पूछिए बोलता जो है क्या कहे उसको, कहता पानी नहीं पिलाता है। अरे मोकामा क्षेत्र के जनता को तो तुम 32 वर्षों से एक खानदान पूरा पानी पिलाए हुए हैं, हम तो सेवा भाव करने के लिए बैठे हुए हैं। सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। चलो टक्कर देने के लिए आ गए हैं। टक्कर हम उसको सब दिन दे रहे थे, कोनो पहला बार हम टक्कर दे रहे हैं। अरे लोक जनशक्ति पार्टी से मात्र जरी थोड़ा थोड़ा वोट से मार जाते थे, और इस बार भगवान राम का माता विजयादशमी के दिन माता दुर्गा का आशीर्वाद चल करके खुद मोकामा को आया है, और मोकामा क्षेत्र की जनता में उन्माद है, हर्षोल्लास है। इस बार सोनम देवी का नाम गूंजेगा, कमल फूल का नाम गूंजेगा, नरेंद्र मोदी का नाम गूंजेगा, सोनम देवी का नाम नहीं गूंजेगा, कमल फूल का नाम गूंजेगा। जनता का प्यार मिल रहा है। चलिए देखिए, ललन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, हम मोकामा में हैं, क्या कुछ माहौल है यहाँ का वो आपने सुन लिया, और साफ कह दिए हैं कि देखिए टक्कर बहुत पहले से देते आए हैं, अभी नया नहीं है। और पानी वाले बात पे बहुत बमक गए हैं कि कोई आएगा ना तो पानी नहीं, साथ में क्या देते हैं वो भी देख लीजिएगा। और ये बताइए, ये पूछना भूल गए, ये लोग क्यों कहते हैं कि 47-47 का टक्कर है, ई है ऊ है, ई क्यों बोलते हैं लोग? ई मैं जानना चाहता हूँ बस, लोग किस चीज में जेल में बंद है, जेल में किस चीज के लिए बंद तो है? 47-47 का टक्कर काहे बोलते हैं? तो हमको कब देखे आप 47 लिए हुए? वो तो सरकार माननीय न्यायालय के द्वारा साबित हो करके जगह पर पहुंचे हुए हैं। चलिए देखिए, क्या कुछ माहौल था और ललन सिंह का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।